नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल यानी कि बहुधान्य डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट टाइम तक हम 12 वीडियोस बना चुके हैं और आज हमारी 13th वीडियो है चंडीगढ़ एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक। एंड इसमें हम भूगोल को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी जियोग्राफी से रिलेटेड एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है वो इसमें हमने डाले हैं, ठीक। इसके अलावा जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप पिछली 12 वीडियोस और आने वाली अपकमिंग वीडियोस को भी देख सकें, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कमेंट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और लाइक भी चल रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू रखें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शंस है कुश्ती, खो खो, कबड्डी, हॉकी। तो जो इसका आंसर है वो है हॉकी। 26वां सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में 29 अप्रैल को होने जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ डाला है मैंने, इससे कि हमें एक आधा करंट का भी पता लगता रहे। और इसमें जो कैप्टन बनेंगे वो बनेंगे PR श्रीजेश, जो गोलकीपर है इस टीम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एटमॉस्फेयर में सबसे निचली परत कौन सी होती है? ठीक है, जो हमारा वातावरण है उसमें लेयर्स होती हैं, जैसे कि ट्रेपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ऐसे होती हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ही इसको 30 सेकंड में ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे निचली जो सी परत होती है धरती के पास वो होती है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पर बारिश होती है या तूफान आते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, जो हमारे विमान हैं मोस्टली यहीं उड़ते हैं क्योंकि इन पर इस साइड बारिश वगैरह नहीं होती, ठीक है। उसके बाद माइसोस्फेयर होती है, फिर आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी हमारे रेडियो सिग्नल्स वगैरह हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक्सोस्फेयर होती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि एटमोसफेयर में सबसे निचली परत कौन सी है, तो वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर आई थिंक सौरमंडल कहते हैं, आई डोंट नो हिंदी में एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। वातावरण में नाइट्रोजन गैस की मात्रा, वातावरण है जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? 78.08%, 70.99%, 71%, 79%। तो इसका आंसर ए है, 78.08%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? कुरिली, चलंगोर, टोंगा, मेरीना। तो मेरीना सबसे गहरी ट्रेंच है, ठीक है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। भूमध्य रेखा पर सागर की सतह क्षेत्र में जल का तापमान कितना होता है? यानी कि जो वाटर की सरफेस है उस पे जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा, उस पे पानी का टेम्परेचर कितना रहता है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री है, प्लीज़ मेरे पास वो पॉइंट सा नहीं था तो मैंने इसको इससे इंडिकेट किया है, 27 डिग्री सेल्सियस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 11 जून, 11 जुलाई, 10 जून। तो इसका आंसर है 11 जुलाई, सी इसका आंसर है 6। सेवन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में आधुनिक स्तर पर पहले लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1908, 1907, 1906, 1951। तो इसका जो आंसर है वो है 1908। 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। टाटा स्टेको इसी नाम से कुछ है ये नाम, ठीक है, आयरन स्टील टाटा कॉरपोरेशन समथिंग। भारतीय मानक समय निर्धारित किया जाता है, ठीक
ठीक है, GMT बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मेडिटेरियन। तो उसके लिए हमारे देश के लिए कौन सा इसमें से एंगल यूज किया जाता है, तो वो है C 82° 32' ईस्ट। प्लीज इस चीज को आप समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम रेलिवेंट है, घुमाकर क्वेश्चन बनते हैं, पर जिसने इसको समझ लिया उसके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। मेरी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है GMT से रिलेटेड, प्लीज़ उस पर अपने 7 मिनट वेस्ट कीजिए, वेस्ट नहीं होंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बॉम्बे हाइक किस लिए प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा के लिए, खनिज तेल के लिए, कोयला के लिए, जल शक्ति के लिए। तो इसका आंसर है बी, खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, भारत में कौन सी मिट्टी अत्यंत पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, सबसे छोटे वर्ष का ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी। तो बुध है सबसे छोटा, आई थिंक 88 डेज का होता है, यहाँ पर सबसे छोटा साल होता है। ठीक है, तो ये थे 11 क्वेश्चन। होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और भी वीडियोस बनती रहेंगी आपके लिए, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक भी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैंने अपनी तरफ से 99.90% एक्यूरेसी दिया है, अगर कोई भी कमी पेशी लगी हो तो प्लीज़ लिखें ज़रूर। अभी के लिए धन्यवाद।